हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रद्धा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से आप जेंट्स की जो शर्ट होती है उसको बहुत ही आसानी से घर पर प्रेस कर सकते हैं, और वो भी उसके बिना बटन लगाए हुए। और शर्ट जो है वो इतनी अच्छे से प्रेस होगी कि वो महीने भर तक वैसी ही रहेगी, उसमें एक भी रिंकल्स जो है वो नहीं आ पाएगा। और एकदम अच्छी क्रीज, जैसे कि लॉन्ड्री वाले बनाते हैं, उस तरह से मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले यदि आप आयरन बेड पर कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट बेड के ऊपर आयरन ना करें, उसके ऊपर कोई भी एक मोटा आपका पुराना कोई बेडशीट है तो उसको आप अच्छे से बिछा दें। ध्यान रहे कि बेडशीट के ऊपर एक भी रिंकल्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो यदि आप उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो उसका रिंकल जो है वो आपकी शर्ट के ऊपर आएगा और आपकी शर्ट जो है वो ईजिली प्रेस नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आपको, आप देख सकते हैं कि कॉटन का शर्ट है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सल जो है वो है, रिंकल्स बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको इस शर्ट के ऊपर थोड़ा सा पानी, अगर आपके पास में स्प्रे की बोतल है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उन सारे रिंकल्स को एकदम सॉफ्ट कर देंगे। क्योंकि कॉटन की जो शर्ट होती है वो बहुत ही थोड़ी सी कड़क होती है, तो उसके जो सल होते हैं वो थोड़े ज़्यादा ही कड़क होते हैं। तो एक बार हम पानी डाल के उनको सॉफ्ट कर देंगे और फिर आयरन करेंगे तो उसके जो सल है वो बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। तो शर्ट की प्रेस जो है वो सबसे पहले हमको कॉलर पट्टी से स्टार्ट करनी होती है। तो कॉलर पट्टी को अच्छे से हम प्रेस कर देंगे। ध्यान रहे आपका शर्ट जो है वो कॉटन का है, सिल्क का है या पॉलिस्टर का है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रेस का टेम्परेचर जो है वो आप सेट कर सकते हैं। कॉलर पट्टी जो है उसको प्रेस करने के बाद में हम सबसे पहले स्लीव्स को करेंगे। प्रेस करने के पहले आपको एक बार उसकी जो सिलाई होती है उसको आपको बहुत ही अच्छे से जमा देना है, और उसके बाद ही आप प्रेस करें, तभी एक अच्छी सी क्रीज जो है वो बन पाएगी। और हाथ की जो पट्टी है वहाँ से आप शर्ट को एक तरफ से अच्छे से खींचें और फिर प्रेस करें। आप देखना एक मिनट के अंदर पूरे ही शर्ट के बहुत ही अच्छे से आयरन हो जाती है, यदि आप इस टेक्निक से प्रेस करते हैं तो। कॉटन के किसी भी कपड़े पर यदि हम आयरन करते हैं तो उसके पहले हमको थोड़ा सा उसको गीला कर देना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा ही डालना है, उससे थोड़ा कपड़ा सॉफ्ट हो जाता है और आयरन जो है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब एक स्लीव्स के आयरन होने के बाद में हम दूसरी स्लीव्स पर भी इसी टेक्निक से ही प्रेस करेंगे। सबसे पहले उसकी जो सिलाई है उसको हमको अच्छे से जमा देना है, और उसके बाद में जो उसकी पट्टी है उसको एक हाथ से खींचते हुए दूसरे हाथ से हम प्रेस करेंगे। उससे जैसे वो लॉन्ड्री वाले जैसे क्रीज बनाते हैं ना पट्टी पर, हाथ पर, स्लीव्स पर, उस तरह से अच्छे से क्रीज सी बन जाएगी। दोनों स्लीव्स पर आयरन करने के बाद में कॉलर पट्टी के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो अक्सर प्रेस करने से रह जाता है, तो हमको उसको नहीं रखना है क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स होते हैं। तो आप देख लीजिए ध्यान से किस तरह से मैंने उसको पकड़ा है। अब इसके बाद में हम शर्ट का जो फ्रंट पार्ट है उसको हम आयरन करेंगे। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर मैं शर्ट के बटन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि शर्ट के बटन लगाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। यदि हमको एक शर्ट के आयरन करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमको बहुत ज़्यादा कपड़े अगर आयरन करने होते हैं तो वो टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इतने सारे शर्ट के बटन लगाने और फिर आयरन करनी। तो इस टेक्निक से अगर आप आयरन करते हैं तो आपको बटन लगाने भी नहीं पड़ेंगे और फिर भी बहुत ही अच्छे से आप आयरन करके फोल्ड कर सकते हो। बटन के ऊपर हमको डायरेक्ट प्रेस नहीं चलानी, नहीं तो आपकी प्रेस जो है वो ख़राब भी हो सकती है, तो आप उस पार्ट को उल्टा करके और वहाँ से आप आयरन कर सकते हैं।
घर पर प्रेस करना बहुत ही आसान होता है और कोई भी इतना ज़्यादा चार्ज नहीं लग पाता है, लेकिन बाहर जो हम प्रेस के लिए कपड़े देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। और घर पर यह काम हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं, सिर्फ एक कुछ टेक्निक टिप्स और ट्रिक्स होते हैं यदि हम उसको फॉलो करें तो। अब शर्ट का फ्रंट पार्ट हमने आयरन अच्छे से कर लिया है, अब इसका पीछे वाले भाग की करनी है। तो हम कॉलर के यहाँ से और नीचे के भाग से उसको पकड़ेंगे और शर्ट को हम पलट देंगे। इससे हमारा शर्ट जो है वो बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं और हमको बटन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और अब हम इजीली पीछे जो पार्ट है उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से बिना बटन लगाए पूरे शर्ट के बहुत ही अच्छे से मैंने प्रेस कर ली है। अब आयरन करने के बाद में शर्ट को फोल्ड करना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, क्योंकि कई बार एक भाग बड़ा एक भाग छोटा इस तरह से रह जाता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, शर्ट की जो कॉलर पट्टी होती है उसके किनारी से दो इंच आप अपनी फिंगर से भी नाप सकते हो और वहाँ से आप शर्ट को फोल्ड कर दें। और जो दूसरा जो पार्ट है वहाँ से भी आपको 2 इंच का ही गेप रखना है, उसके बाद में आप शर्ट को फोल्ड कर दें। आपका शर्ट बिल्कुल जैसे बाहर प्रेस करके कपड़े आते हैं बिल्कुल वैसा ही फोल्ड होगा। शर्ट को आप फोल्ड करते जाएं और उसकी जो किनारी होती है वहाँ पर भी आप प्रेस घुमाते जाएं, इससे एकदम अच्छी सी क्रीज बने और शर्ट जो है वो आपका बिखरेगा भी नहीं। तो आप इस टिप्स एंड ट्रिक से यदि आप आयरन करते हैं तो शर्ट का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर आपकी प्रेस नहीं हो पाएगी और बहुत ही अच्छी प्रेस होती है शर्ट के। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजीली और बहुत ही कम टाइम में मैंने आयरन कर ली है। अब आप इस शर्ट को अलमारी में आप ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप हैंगर के अंदर टांग कर भी रख सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।